गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। दिस इज योर साइंस लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 फॉर रिवीजन। सो एवरीवन प्लीज टेक आउट योर साइंस वर्कबुक प्लीज। यस स्टूडेंट, दिस इज अवर साइंस वर्कबुक। चैप्टर 3 ओपन करना है सबको। यस, तो स्टूडेंट चैप्टर 3 है वो हमारा किसके बारे में है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट, तो जो फूड है स्टूडेंट्स वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से। ठीक है, जो प्लांट में से हमें जो सीरियल्स है जो हम डेली यूज में लाइक मेन फूड है हमारा मेन फूड कोर्स, तो सीरियल्स है, पल्सिस है, वेजिटेबल्स है, एडिबल ऑयल है, शुगर, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, वो सभी हमें प्लांट से मिलता है स्टूडेंट। तो आपको एक सिंपल चीज़ समझनी है, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सीरियल्स कौन कौन से हैं, वो ही आपको याद रखना है। वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेस। सेकेंड पल्सिस, पल्सिस हमें प्लांट से मिलते हैं। कौन कौन से पल्सिस है? तो पिजन पी, लेंटिल पीस, चिक पीस, ब्लैक ग्राम्स एंड ग्रीन ग्राम्स। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन। ओके, देन सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो। कुछ वेजिटेबल्स है वो हम कच्चे खाते हैं, जैसे कि ककुम्बर, कैरट, रेडिस, बीटरूट। ओके, तो जो हम रो खा सकते हैं एज ए सलाड। फिर एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल मानी खाने का तेल। एडिबल ऑयल हमें किससे मिलता है? तो सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट और तिल। ओके, इसमें से हमें खाने का तेल मिलता है। स्टूडेंट्स वी गेट शुगर, टी, कॉफ़ी, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो भी प्लांट से मिलती है, जैसे कि शुगर कैन में से हमें शुगर मिलती है, टी प्लांट में से टी मिलती है एंड कॉफ़ी प्लांट में से कॉफ़ी मिलती है। लाइक दैट सम फ्रूट्स वी गेट फ्रूट्स, फ्लैशी एंड जूसी फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। हमें फ्रूट कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स हमें किससे मिलते हैं? सम प्लांट्स की वर्स ड्राई फ्रूट्स। सम कुछ प्लांट है वो हमें ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, जैसे कि आलमंड है, कैशनट है, वॉलनट। आलमंड, कैशनट एंड वॉलनट। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस हमें स्टूडेंट प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि क्लोव, क्लोव मनी लविंग, देन कार्डामम मनी इलची, चिली एंड टर्मरिक, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। देन वर्कशीट है, क्या है वर्कशीट है? तो चलो स्टार्ट बेटा, यहाँ पर आपको कोई भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिखवाया है तो आपको ये ही लिखना है। यू कैन राइट बाय योर ओन, जैसे कि आपको सीरियल्स के नेम देने हैं तो कोई भी दो सीरियल्स के नेम लिखने हैं। मैंने यहाँ पर वीट और राइस लिखा है। देन पल्सिस, तो पल्सिस ग्रीन ग्राम, लेंटिल लिखा है, आप उड़द भी लिख सकते हो। ओके, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। देन ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट कौन कौन से है? आलमंड है और वॉलनट है। देन प्लांट की वर्स एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल हमें किस में से मिलता है? सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट्स। वेजिटेबल्स ईट एज अ सलाड, ऐसे कौन से वेजिटेबल है वो हम सलाड की तरह खाते हैं, जैसे कि रेडिश है और कैरेट है। स्टिक द राइट वर्ड प्रिंटेड इन अ बोल्ड, यहाँ पर डार्क राइटिंग में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उसमें से जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। जैसे कि ग्राउंड नट ऑब्लिक कैश नट, ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग, तो कुकिंग के लिए हम ग्राउंड नट यूज करते हैं कि कैश नट? कैश नट तो ड्राई फ्रूट है बेटा, तो हम ग्राउंड नट यूज करते हैं, तो ग्राउंड नट के ऊपर राइट मार्क। देन पोटैटो ऑब्लिक कैरेट कैन बी ईटन रो, तो हम पोटैटो कच्चा खाते हैं? नो, कैरेट है, इट कैन बी ईटन रो, ईटन रो, तो हम कैरेट के ऊपर राइट मार्क करेंगे। देन पम्पकिन ऑब्लिक ककुम्बर, जो पम्पकिन और ककुम्बर है जो किसके लिए हम सलाड के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ककुम्बर है वो हम सलाड के लिए यूज़ कर सकते हैं।
देन आलमंड ऑब्लिक एप्पल इज अ ड्राई फ्रूट, तो आलमंड ड्राई फ्रूट है क्या? एप्पल, एप्पल तो फ्रूट है, आलमंड ड्राई फ्रूट है, क्या है? ड्राई फ्रूट है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पूछा है नेम द फॉलोइंग, आपको नेम देना है जो कुछ चीज़ें हैं उसका, ठीक है? यहाँ पर आपको पूछा गया है जैसे कि योर फेवरेट फ्रूट, तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? तो मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, सो मैंने यहाँ पर मैंगो लिखा है. आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है आप लिख सकते हो. देन वेजिटेबल यू लाइक मोस्ट, आपको जो भी वेजिटेबल अच्छा लगता है वो आपको लिखना है. तो टोमेटो, TOMATO, टोमेटो. द एडिबल ऑयल यूज इन योर होम फॉर कुकिंग, ऐसा कौन सा एडिबल ऑयल है जो आप घर पे यूज़ करते हो? हम ग्राउंड नट यूज़ करते हैं, आप तिल हो, सनफ्लावर हो, कोकोनट, जो भी आप यूज़ करते हो यू कैन राइट. द ड्राई फ्रूट्स यू लाइक मोस्ट, जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है उसका नेम आपको लिखना. ओके सूट, यस मैच सूटेबली, जैसे कि बर्ली, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ बर्ली क्या है. सीरियल्स है, उड़द है, वो पल्सिस है, ब्रिंजल है वो जो वेजिटेबल्स है, और एप्पल है वो फ्रूट है. तो वेजिटेबल्स के सामने हमें देखो ऑप्शन लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट? ऑप्शन लिखना है, जैसे कि बर्ली है तो वो सीरियल्स है, तो ई है, सॉरी डी है, तो आपको डी यहाँ पर लिखना है. उड़द है, उड़द पल्सिस है, पल्सिस के सामने बी है, तो आपको यहाँ पर बी लिखना है. ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल वेजिटेबल है, तो ए आपको यहाँ पर लिखना है. देन एप्पल है, तो एप्पल क्या है? फ्रूट है, क्या है? फ्रूट है, तो फ्रूट के सामने सी ऑप्शन है, तो आपको सी लिखना है. गॉट इट एवरीवन? यस और नो? यस. ओके, नाउ एवरीवन कम टू द चैप्टर 4, एनिमल्स अराउंड अस. ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एनिमल अराउंड अस, तो जो एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं उसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. जो एनिमल्स को हम एज अ पैट यानी घर पे पालते हैं तो उसे हम पैट एनिमल कहते हैं. देन जो एनिमल, द एनिमल्स दैट लिव एट होम और फार्म, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल. दे आर वेरी यूजफुल, जो लगेज कैरी करने के लिए हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं. सम ऑफ देम एनिमल्स हैव फोर लेग, दे जनरली लिव ऑन अ लैंड. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, कैमल, डॉग, काउ. ओके, जो डोमेस्टिक एनिमल है. तो वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उसे हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं. जैसे कि ज़ेब्रा, बियर, जिराफ आर वाइल्ड एनिमल्स, आर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि हाउस लिजार्ड है, टॉर्टोइस है एंड क्रोकोडाइल है. दे हैव शॉर्ट लेग्स, दे हैव शॉर्ट लेग्स. स्नेक्स हैव नो लेग्स. जैसे कि देखो यहाँ पर पिक्चर में इसके शॉर्ट लेग है ना, टॉर्टोइस, यस क्रोकोडाइल, और स्नेक को लेग्स होती है नहीं है. पिक्चर में देखो स्नेक है वो स्क्रॉलिंग करता है. यस स्टूडेंट, तो एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, टॉर्टोइस है, दे लीव ऑन अ लैंड एज वेल एज इन अ वाटर. तो जो एनिमल है ठीक है वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी. जैसे कौन सा एनिमल है? क्रोकोडाइल, फ्रॉग और टॉर्टोइस. ओके यस, ये फिश है. तो एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड टॉर्टोइस लिव ऑन अ लैंड एज वेल एज इन अ वाटर. फिश लिव ओनली इन अ वाटर, जो फिश है वो वाटर में रहती है, पानी के बगैर फिश सर्वाइव नहीं कर पाती है. कुछ एनिमल है, सम एनिमल्स कैन फ्लाई, जिसे हम बर्ड कहते हैं. तो बर्ड्स को टू विंग्स होती है, टू लेग्स होते हैं. दे हैव फेदर्स एंड द टेल. दे जनरली लिव इन ट्रीज. सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर टू. कुछ बर्ड है जो पानी में स्विम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डक है, स्वान है, ठीक है, जो पानी में स्विम करते. इंसेक्ट, तो इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल्स.
इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल, वी सी दैम ऑल अराउंड अस, दे हैव सिक्स लेग्स. इंसेक्ट को कितने लेग्स होते हैं? सिक्स लेग्स होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग, मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट होते हैं जिनको विंग्स होते हैं, विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, विंग्स की मदद से वो फ्लाई करते हैं. ओके, नेम एन इंसेक्ट दैट डज नॉट हैव विंग्स. तो आंट है जिसको विंग्स होती नहीं. तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट के नेम दिए हैं, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाई है, एंट है, कॉकरोच है एंड मॉस्किटो. एंड मॉस्किटो. ओके, नाउ एवरीवन प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 पर आ जाओ सभी. Against true statement and F against false one. Okay, all insect can fly. सारे insect है जो fly करते हैं, तो गलत है. Some insect can fly. The camel crawl on the ground. Wrong है, camel थोड़ी ना crawling करता है. कौन crawling करता है? Snakes. कौन? Snakes. Then snakes have no legs. तो true, snakes को legs होते नहीं है. Snakes crawl करता है. फिश कैन लीव आउट साइड वाटर. ये तो गलत है, फिश पानी के बगैर जी सकती नहीं है. अ मॉस्किटो हैज सिक्स लेग्स. मॉस्किटो हैज सिक्स लेग. तो मॉस्किटो को, मॉस्किटो इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को सिक्स लेग्स होते हैं, तो टू आएगा. क्वेश्चन टू है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच. आपको एनी टू एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. तो जो एनिमल लैंड और वाटर में रहते हैं उसके नेम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टॉर्टॉइस. दूसरा आपको पूछा है इंसेक्ट के नेम लिखना है, तो बी एंड एंट. बी एंड एंट. गॉट इट एवरी वन? यस. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन ख़त्म हुआ. आपका क्या होमवर्क रहेगा बेटा? आपका होमवर्क रहेगा चैप्टर 3 और 4. जो ये वर्कशीट है ना बेटा, ये जो मैंने करवाई वर्कशीट इन नोटबुक, नोटबुक में लिखनी है चैप्टर 3 और 4 वर्कशीट इन नोटबुक. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एवरीवन.